ब्रेन आई माउथ चिन सोल्जर आर्म थम रिस्ट। बाय बेटा आरुष, बाय बाय बाय। विंटर ऑटम स्प्रिंग समर विंटर ऑटम स्प्रिंग समर ब्रेन आई माउथ चिन सोल्जर आर्म थम रिस्ट नोज ईयर चिक बोलो चिक बोलो चिक चिक बोलो चिक चिक नेक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? और अभी मैं जो दिखा रही थी आप लोगों को कि आरुष ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, तो वही मैं दिखा रही थी। और क्या है ना कि मतलब अभी लॉकडाउन से पहले ही उसका एडमिशन कराने का सोच रही थी, लेकिन जस्ट लॉकडाउन हो गया मार्च में हमारे यहाँ, तो इतना टाइम से अभी तक पता ही है सारे स्कूल मतलब बंद है, तो घर में तो और ना आना जाना किसी का था, तो ट्यूशन भी नहीं लगवा सकती थी, तो खुद से पढ़ाती थी। बट पता ही है किसी का भी बच्चा खुद से नहीं पढ़ता है, उसको ट्यूशन लगवाना ही पड़ता है या स्कूल में डालने से ही वो पढ़ता है, ऐसे तो पढ़ने वाला है नहीं। तो बस मैंने सोचा था कि ट्यूशन लगवा दूंगी, लेकिन ये किसी के पास पढ़ने के लिए बैठने के लिए एकदम मतलब रहता ही नहीं, बहुत ही चंचल है। और अभी स्टार्टिंग है तो उसको पढ़ाई का तो मतलब पता नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं सिखाते हैं वही सीखता है, लेकिन उतना तो पता नहीं है कि क्या होता है, पढ़ाई नहीं होता है। तो बट बस मैं यही सोचती थी कि किसके पास ऐसा मतलब लगवाऊँ या कौन ऐसा होगा जिसके पास ये आराम से शांति से बैठ के थोड़ा पढ़ेगा। बट हमारे पड़ोस में ये दी रहती है, तो उनके पास मतलब दो बच्चे और पढ़ते हैं, तो बस ये भी कभी कभी जाके बैठ जाता था, तो मैंने सोचा चलो वहीं पे उसका ट्यूशन भी लगवा देती हूँ। तो बस ये जाता है, 2 मिनट बैठता है और फिर आ जाता है, बट इतना ही मेरे लिए बहुत है कि वो जाके कम से कम बैठता तो है, कुछ मतलब सीख कुछ तो समझ रहा होगा ना कि सब बच्चे आते हैं तो मतलब क्या चीज़ है, उसको कुछ समझ में आए कि हाँ उठना बैठना ये बस सीख जाए, तो उसको स्कूल देने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्कूल देने का भी हम लोग सोच रहे हैं उसको, तो अभी फॉर्म मिलना तो स्टार्ट हो गया है, तो फॉर्म लेना है और उसके बाद इन लोग का जो बैच का स्टार्ट होगा पढ़ाई वो तो नेक्स्ट ईयर से ही होगा, क्योंकि इस ईयर तो कोई बच्चे या बड़े वाले स्कूल भी नहीं खुले हैं, कॉलेज वॉलेज भी नहीं खुले हैं, तो फिर कॉलेज वगैरह तो खुल गया है थोड़ा बहुत, जो हाई क्लास के हैं उन लोगों का क्लासेस हो रहे हैं अभी भी, लेकिन बच्चे लोग का तो नहीं हो रहा है। तो वही मैं दिखा रही थी कि वो जा रहा था, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया, मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपना बेटा का एक एक पल एक एक मोमेंट, जो मैं क्या बाद में देखूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और उसको भी दिखाऊँगी बाद में तो वो भी सोचेगा कि हाँ मेरी मम्मा ने सब रिकॉर्ड करके रखा है, उसको भी अच्छा फील होगा, तो बस इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अभी जस्ट मैं खाना ही बना रही थी, तो मैंने सोचा अभी वो जा रहा था तो मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ, तो बस यही रिकॉर्ड किया मैंने। और अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने और मिलती हूँ आप लोगों से। आज मैं बस कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगी, बस यही थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं जाती हूँ खाना बनाने, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।